जम्मू यूनिवर्सिटी में कल हुआ जो एक बड़ा मसला, जिसमें पॉलिटिकल साइंस में एक प्रोफेसर ने ये कहा कि भगत सिंह जो है वो एक आतंकवादी है, और जिस तरह से तमाम यहाँ पर स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनसे पूछते हैं क्या मसला यहाँ पर जो आपने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, कल कुछ एक बजे के करीब एक वीडियो लीक हुई, एक बजे के करीब जो वीडियो लीक हुई, जिसमें पता गया कि कैसे जो एक प्रोफेसर ताजुद्दीन है, मोहम्मद ताजुद्दीन, वो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर है, उन्होंने कैसे भगत सिंह को एज ए टेररिस्ट पोर्ट्रेट किया स्टूडेंट्स के सामने। अब जानते हैं कि भगत सिंह ने कैसे अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस किया, ऐसे कैसे अपनी परिवार घर परिवार छोड़ दी, कैसे 23 साल की उम्र में अपनी जान दे दी सिर्फ देश को आज़ाद करने के लिए। अगर ऐसी एक सोच रखने वाला व्यक्ति टेररिस्ट हो सकता है, तो हम खुश हैं कि हम सब भी यहाँ पर टेररिस्ट ही हैं, क्योंकि हम सब उसके समर्थन में हैं। और हम ये और हमने इसकी एक रिटर्न कंप्लेन भी जो है वाइस चांसलर साहब के फॉरवर्ड की है, जिसमें हमने सीडी में एक प्रूफ भी डाल के दिया वीडियो का, और उन्होंने कमेटी भी बनाई है जिसमें कि ताजुद्दीन सर को सस्पेंड किया हुआ है, जिसमें कि उनको सस्पेंड किया हुआ है। और हम ये कहना चाहते हैं कि उनको खाली सस्पेंड नहीं करना, उनको यहाँ से निकालना है, उनकी प्रोफेसरशिप कैंसिल करनी है। तो यहाँ पर एक छात्रों का गुट वो भी है जो कि समर्थन में है प्रोफेसर के, और ये तमाम स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये ताजुद्दीन जो प्रोफेसर है उनके विरोध में यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने भगत सिंह को एक टेररिस्ट बताया कल अपने एक लेक्चर में। तो उसके बाद जो है पूरे जम्मू यूनिवर्सिटी में दो धड़ जो है वो अलग अलग बढ़ चुके हैं। एक धड़ जो है वो प्रोफेसर का जो है वो बचाव कर रहा है, वही दूसरा धड़ जो है जिसमें ये सभी छात्र हैं जो कि ये कह रहे हैं कि हमने रिटर्न कंप्लेंट भी दी है वीसी को, और जो एक बयान दिया है और ये चीज़ बोलना कि भगत सिंह एक टेररिस्ट है, कहीं ना कहीं तमाम देशभक्तों को एक गाली देने वाली बात है, जिस तरह से ये लोग यहाँ पर जम्मू यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर है वो प्रचार करें। तो अब यूनिवर्सिटी ने अगला एक्शन लेना है, और क्या अब अगर फर्दर एक्शन होता है ये देखना अभी बाकी रहेगा। तो कल का जो मसला जम्मू यूनिवर्सिटी में बना हुआ है, दो धड़े सामने आ जाए हैं, और एक धड़ा जो है वो प्रोफेसर के जो है अगेंस्ट बात कर रहा है, और ये कह रहा है कि जिस तरह से भगत सिंह को आतंकवादी कहा गया ये एक बहुत शर्मपूर्वक जो है शर्मनाक घटना है, और जो एक धड़ा है वो प्रोफेसर की सपोर्ट में कर रहा है, और कहीं ना कहीं टेररिज्म जो वर्ड है, टेररिस्ट वर्ड है, उसको वो लोग डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि टेररिज्म जो भगत सिंह ने किया था वो एक अलग टेररिज्म था, और जो टेररिज्म कश्मीर में हो रहा है वो एक अलग टेररिज्म है। तो यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर गैदरिंग को अभी स्टूडेंट्स को वो आप केवल हमारे प्रोटेस्ट के कॉल करने पर यहाँ पे आए हैं, या आपको ये लगता है कि भगत सिंह नेशनल हीरो था? जिस भगत सिंह के कारण जो विद्यार्थी अंदर बैठ के डर में बैठे हैं कि प्रोफेसर ताजुद्दीन जो है हमारे नंबर काट लेगा, प्रोफेसर ताजुद्दीन हमें फेल कर देगा, हमारी अटेंडेंस शॉर्ट कर देगा, मेरी शॉर्टेज निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ऐसी हजार क्लासेस, ऐसी हजार नौकरियां शहीद आजम भगत सिंह के लिए कुर्बान है हमारे युवाओं में। जो विद्यार्थी ऊपर से देख रहे हैं, अगर आपके दिल में भगत सिंह के लिए 10% भी जगाओ या 1% भी जगाओ, विपिन चंद्रा की बुक्स जला दो, जिसने भी उस पुस्तक में लिखा भगत सिंह वाज़ अ टेररिस्ट, ना हम वो कल पढ़े थे ना आज पढ़ेंगे। जिसके दिल में भी थोड़ी सी इज्जत है भगत सिंह के लिए, कृपया करके मेरे बहने और मेरे भाई नीचे आ जाओ, ऊपर से तमाशा देखे कुछ नहीं बनेगा। तो जम्मू यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी में जो एक मसला बना हुआ है कल से, जहां प्रोफेसर ने भगत सिंह को एक टेररिस्ट कहा, उसके बाद जो छात्र हैं, छात्र संगठन और छात्र जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं वीसी ऑफिस के बाहर जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर। दीपक मुझे ये चीज़ बताओ कि जिस तरह से ये प्रोफेसर का बयान आता है और वो क्लास में बच्चों को ये कहते हैं कि भगत सिंह टेररिस्ट थे, वहीं एक धड़ा जो है अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर प्रदर्शन करके गया है और वो प्रोफेसर की सपोर्ट में, उन्होंने एक टेररिस्ट वर्ड को जो कहा है कि भगत सिंह अलग किस्म का। 2018 में जो बात है टेररिज्म की बात जो है 2018 के परिप्रेक्ष्य में करिए, भगत सिंह ने 1907 से लेकर 1931 में क्या कहा हमारे लिए माननीय है, सर्वमाननीय है वो, लेकिन क्या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वो चीज़ लागू है यह देखनी चाहिए। अगर वो पॉलिटिकल साइंस की भाषा बोल रहे हैं, हम भी लॉ के विद्यार्थी पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, हम भी ये भाषा जानते हैं। आतंकवाद 2018 के परिप्रेक्ष्य में, आतंकवाद मतलब बुरहानवानी, मतलब याकूब मेनन, मतलब अफजल गुरु, उसके परिप्रेक्ष्य में बोलो, उसके बारे में बात करो। आप टेररिज्म को डिफाइन करेंगे गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म, अरे भैया भगत सिंह को आतंकवादी कहने से पहले लाखों बार सोचो गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म। अंकुर जी आप मुझे एक चीज बताइए कि गुड टेररिज्म बैड हनी भैया सॉरी गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म की बात करें, एक बाप का भी अपने बेटे पे पूरा डर होता है तो क्या हम उसे आतंकवादी कहते हैं? क्या हम उसे आतंकवादी कहने की जरूरत तो नहीं करते हैं? लेकिन आज भगत सिंह के परिपेक्ष में, क्योंकि ये डिबेट नेशनल डिबेट बन सकती है, इसलिए गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म हम लोग वो सभी लोग एक किस्म से वो जेएनयू का जिस तरह से मसला उठा रहे हैं, इस विश्वविद्यालय को जेएनयू कतई नहीं बनने देंगे हम लोग। ऑनरेबल वाइस चांसलर से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप माहौल शांत देखना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर स्थितियां बरकरार रहे, राज्यपाल जी आप एक कड़ा फैसला इसके ऊपर लीजिए, कई कड़े फैसलों के लिए आप मशहूर हुए हैं, आप कड़ा फैसला लीजिए। प्रोफेसर ताजुद्दीन को उसकी पोस्ट आगे, इसके लिए आप क्या कंप्लेंट? हमारा कंप्लेंट फाइल्ड है, चार प्रतिनिधि मंडलों ने अपना कंप्लेंट दिया है, एक ही मांग है ताजुद्दीन को बाहर निकालो विश्वविद्यालय से और कुछ नहीं। तो ये साफ तौर पर छात्र नेता है ये इस चीज पर जोर दे रहे हैं कि जिस तरह से ये एक पूरा एक वाक्य सामने आया जहाँ पर प्रोफेसर मऊद्दीन जो है वो बच्चों को क्लास लेते हुए कह रहे थे कि जो भगत सिंह है वो टेररिस्ट है, और एक टेररिस्ट वर्ड की जो है डेफिनेशन बताने की कोशिश की गई। हाल ही में जिस तरह से कश्मीर में आतंकी मारे जा रहे हैं और लगभग इस साल जो है कई आतंकी हैं वो मारे गए हैं, तो कहीं ना कहीं टेररिस्ट वर्ड यूज़ करना भगत सिंह के लिए एक बात कहें कि चर्चा का माहौल बनाने की कोशिश है जम्मू यूनिवर्सिटी में। जिस तरह से जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के नारे लगे थे और कई ऐसे नारे लगे थे जिससे जेएनयू में चर्चा में आया था, वहीं आज कल के ये मसले से जम्मू यूनिवर्सिटी भी कहीं ना कहीं चर्चा में बन गई है। तो जम्मू यूनिवर्सिटी में जो विवाद कल से जारी हुआ है प्रोफेसर के बयान के बाद, कुछ छात्राएं भी हैं उनसे भी बात करेंगे। आप ये बताइए कि जिस तरह से बयान हुआ है भगत सिंह को टेररिस्ट कहना, कहां तक ये सही लगता है, और एक लेक्चर एक प्रोफेसर ये चीज़ बोल रहा है, आपको लगता है कि जम्मू यूनिवर्सिटी में भी जेएनयू जैसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? हाँ जी, सबसे पहले तो भगत सिंह हमारे रोल मॉडल हैं और हमें उनके बारे में ऐसी बात तो बोलनी ही नहीं चाहिए सबसे पहले, क्योंकि भगत सिंह ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, तो हम अगर प्रोफेसर ऐसे बोल रहे हैं तो मतलब वो सब ये सब भूल चुके हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया हुआ है, और हम सब उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो उन्हें सबसे पहले तो ऐसे बोलना ही नहीं चाहिए था, और उन्हें अगर वो ऐसी बात बोल रहे हैं तो हमारी यूनिवर्सिटी का माहौल बिगाड़ने वाली बात है, और हम सब बहुत गुस्सा हैं कि उन्होंने ऐसे क्यों बोला है उनके बारे में। बीइंग अ प्रोफेसर, उन्हें वो इतने एजुकेटेड हैं, एजुकेटेड होने के बावजूद भी वो ऐसी बातें कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतने एजुकेटेड हैं कि उन्होंने ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। ये सब बच्चों को भड़काने की बात है, क्योंकि उनके रोल मॉडल हैं वो हमारे, तो उन्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। और यहाँ पे देखिए, आप खुद ही देख सकते हैं इतना माहौल, यस माहौल अच्छा। ये कुछ छात्र हैं, कुछ और भी हैं, उनसे बात करेंगे। जिस तरह से जम्मू यूनिवर्सिटी है, हाल ही के दिनों में जो एक माहौल बना है जम्मू यूनिवर्सिटी की बात करें तो लोग जो हैं खुल के बात करें भारत माता की जय, और एक कितना बड़ा नेशनल फ्लैग भी लगा है, उसका भी कहीं ना कहीं अंदर अंदर विरोध हुआ, क्यों लगाया जा रहा है? तो अब जो कुछ लोग हैं जो कि ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि विवाद हो जाए कुछ ऐसे वाक्यों से, कुछ ऐसे तथ्यों से, हुआ भी है आज देखने को मिल रहा है, तो किस तरह से आप सब देखते हैं, क्या प्रोफेसर की आप इस बात पर निंदा करते हैं? ऑब्वियसली निंदा ही करनी चाहिए, जो यहाँ पे हमें पढ़ाने के लिए आए हैं, अगर वही हमें ये सब कुछ सिखाएंगे तो उनको यहाँ पे रहने का कोई हक नहीं, मुझे मेरा यही मानना है। तो जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है मैं उसके साथ हूँ, और हम सबको बहुत गुस्सा है कि वो मतलब हमें पढ़ाने आ रहे हैं, हमें ये सिखा रहे हैं कि वो आप
जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, अब उनको ऐसे बोल रहे हो, तो ये बिल्कुल गलत है। तो टेररिज्म की भी एक डेफिनेशन देखने को, एक धड़ा ये भी कह रहा है कि गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म, जो कश्मीर में आतंकी मारे हैं वो टेररिस्ट होते हैं, क्या भगत सिंह को उससे कंपेयर करना आपको सही लगता है? बिल्कुल नहीं सर, ये बिल्कुल भी सही नहीं है जो ये प्रोफेसर ने ये बात कही है, ये बिल्कुल गलत है और हम इनकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और हमारी JNU से और हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर से यही मांग है कि उन्हें रस्टिकेट या जो भी उन्हें सही लगता है या जो भी वो कड़ा स्टेप उनके लिए उठा सकते हैं वो उन्हें अपने हिसाब से वो करना चाहिए। इसी वजह से आज हम लोग सब यहाँ पे हैं और हम इस प्रोटेस्ट के साथ हैं, बिकॉज इट इज़ अ जेन्युइन प्रोटेस्ट। तो साफ तौर पे छात्राएं हो छात्र हो यही चीज़ कह रहे हैं कि जो एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश है और कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स जिससे तनाव एक सेकंड में ही जम्मू यूनिवर्सिटी में बन गया है, तो ऐसे में वाइस चांसलर को जो है कड़े जो है संज्ञान लेना चाहिए और जो भी पनिशमेंट बनती है अगर उनको लगता है कि प्रोफेसर को हटाना चाहिए या फिर उनको सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए तो वो माफ़ी मांगे, क्योंकि ऐसे प्रोटेस्ट से ना कि जम्मू यूनिवर्सिटी का माहौल ख़राब होगा वहीं की जम्मू सिटी में भी, जब ये बात कल से जब वीडियो वायरल हुई और सबके पास ये वीडियोस जा रही है तो लोग जो है कड़ी तौर पर निंदा कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि ऐसे जो अध्यापक ऐसे टीचर हैं इन्हें हटाया जाए ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें एक अच्छी एजुकेशन मिले, ना कि उनको भड़काऊ उनके सोच चेंज करने वाला, भड़काऊ सोच भरने वाला कोई ऐसा प्रोफेसर आए। जम्मू यूनिवर्सिटी से ख्वाहिश पटियाड़ की रिपोर्ट।